हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक एंटी हेयर फॉल सॉल्यूशन का रिव्यू करने जा रहा हूं। बालों के झड़ने की समस्या से निपटान के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। गेन हेयर मैक्स 5% टॉपिकल सॉल्यूशन ब्रांड नेम से मार्केट में उपलब्ध होता है। MPS लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कंपोजिशन के रूप में इसमें मिनोक्सिडिल 5% और फिनास्टाइड 0.1% बाइवेट की मात्रा में उपलब्ध होता है। कीमत की अगर बात करें तो 60 ml की एक बॉटल मार्केट में 690 रुपीज़ की उपलब्ध होती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ब्रिंटॉप एफ 10% सॉल्यूशन, जिसे ब्रिंटॉन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। मिन स्कैल्प एफ 10% सॉल्यूशन, जिसे ईस्ट वेस्ट फार्मा के द्वारा बनाया जाता है। ट्रिचोडेनस 10% सॉल्यूशन, जिसे एम्बिल हेल्थ केयर के द्वारा बनाया जाता है। गेन हेयर मैक्स 10% टॉपिकल सॉल्यूशन, जिसे MPS लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और नोबग्रो ट्रॉपिकल सॉल्यूशन, जिसे लुपिन लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन के न मिलने की कंडीशन में आप मेरे द्वारा सुझाए गए इन मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनका कंपोजिशन सेम होता है और आप सेम इफेक्ट को या सेम रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया है, इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल बाल झड़ने की समस्या के निपटान के लिए किया जाता है। इस मेडिसिन के अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो डर्मेटाइटिस का होना, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का होना, साथ ही साथ अगर चेहरे पर यह सॉल्यूशन आता है तो फेस पर हेयर ग्रोथ का होना, हेडेक होना और इचिंग होना इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के रूप में देखे गए हैं। इस सॉल्यूशन का कैसा इस्तेमाल करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर के द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि के अनुसार इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिसिन या सॉल्यूशन का इस्तेमाल करने से पहले इसके एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना चाहिए। डॉक्टर के सारे रिकमेंडेशन या जो डायरेक्शंस होते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, इसके बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखते हैं या जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि मेडिसिन कैसे कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, यह सॉल्यूशन एक दो प्रकार के जो मेडिसिन होते हैं उनके कॉम्बिनेशन होता है। इसमें मिनोक्सिडिल और फिनास्टाइड होता है। यह हेयर का जो लॉस होता है उसका ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिनोक्सिडिल नाम की जो मेडिसिन होती है यह एक वासोडायलेटर होती है और जो शरीर के अंदर की रक्त वाहिकाएँ होती हैं उन्हें फैलाता है, डायलेट करता है, जिसके कारण बालों की जड़ों में बेहतर रूप से रक्त का जो प्रवाह होता है वह प्रदान होता है और हेयर की ग्रोथ होती है। यह जो हेयर लॉस होता है इसे प्रिवेंट करता है, रोकता है, और जो हेयर की रीग्रोथ होती है यानी जो बाल बनने की जो पुनः की प्रक्रिया होती है उसे स्टिमुलेट करता है और इस प्रकार आपके बाल मोटे, लंबे और घने होते हैं। फिनास्टाइड जो होता है वह एक 5-अल्फा रिड्यूसर इनहिबिटर होता है। यह कुछ शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली मेल की अगर मैं बात करूँ तो मेल हार्मोन्स जो होते हैं उन्हें ब्लॉक करते हैं, उनके प्रोडक्शन को ब्लॉक करते हैं, जो हेयर के जो ग्रोथ होती है उसे ब्लॉक करते हैं या स्टॉप करते हैं। ऐसे जो केमिकल्स होते हैं यानी 5-अल्फा रिड्यूसर इनहिबिटर, इसके जो प्रोडक्शन होता है या रिलीज होता है उसको ब्लॉक करता है, जिसके कारण आपकी जो हेयर ग्रोथ होती है वह तेज़ी से बढ़ती है। गंजेपन के लिए जो जिम्मेदार जो हार्मोन्स होते हैं उनकी यह रोकथाम करता है, जो आपको हेयर लॉस की समस्या को बढ़ाते हैं और आप इस प्रकार अल्टीमेटली आपके हेयर बढ़ने लगते हैं, लंबे होते हैं, घने होते हैं और मोटे होते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करता हूँ कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का इस्तेमाल या इस मेडिसिन को डॉक्टर के द्वारा हेयर लॉस को रोकने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने हाथों को धो लेना चाहिए, साथ ही साथ हेयर का जो एरिया होता है यानी स्कैल्प एरिया होता है उसे अच्छी तरह से क्लीन करने के पश्चात इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मेडिसिन को डायरेक्टली स्कैल्प एरिया या सिर के एरिया में नहीं लगाया जाता है। डॉक्टर के द्वारा इसके बारे में उचित परामर्श करें और जैसा डॉक्टर का डायरेक्शन हो, जैसा डॉक्टर का इंडिकेशन हो, उस प्रकार इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर यह मेडिसिन गलती से आपकी आंख, नाक या मुंह के संपर्क में आता है तो आपको तुरंत ही ठंडे पानी से उस स्थान को धो लेना चाहिए। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के 4 घंटे के अंदर आपको शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी हेयर लॉस को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ इस मेडिसिन को जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको हेयर ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिनिमम 4 घंटे तक के लिए हेयर ड्रायर को नहीं यूज करना चाहिए। आपको बालों को नेचुरली नॉर्मली सुखाना चाहिए, क्योंकि यह जो उसकी मेडिसिन की इफेक्टिवनेस होता है उसमें प्रभाव डाल सकता है। शुरुआती 2 हफ्तों में फ्रेंड्स बालों को झड़ना बढ़ सकता है, यह एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। यह इस प्रक्रिया का साइन है कि आपकी मेडिसिन आपके शरीर या सिर के ऊपर अच्छी तरह से वर्क कर रही है। आपको इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए कि 10% का जो सॉल्यूशन होता है वह आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर या कहीं अन्य स्थान पर नहीं लगना चाहिए, अन्यथा आपके शरीर पर या चेहरे पर अनचाहे बाल उग सकते हैं और आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
अब इसके अगर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इस मेडिसिन को अल्कोहल के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके शरीर में हानिकारक प्रभाव को उत्पन्न कर सकती है। गर्भावस्था के दौरान आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह अत्यंत असुरक्षित होता है और आपको इस बारे में डॉक्टर से उचित परामर्श करना चाहिए। स्तनपान अगर आप करा रहे हैं तो इस सॉल्यूशन का डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही मेडिसिन का सेवन करना चाहिए या मेडिसिन को अप्लाई करना चाहिए। अगर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं तो आपको तुरंत मेडिसिन को बंद कर देना चाहिए। किडनी या लीवर रोग से जुड़ी किसी समस्या का सामना अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए यह एडवाइस है कि आपको अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करना चाहिए, इसके बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका मैं क्विक रिव्यू करना चाहता हूँ यहाँ पर। फ्रेंड्स, पूछा जाता है जनरली कि क्या यह जो मेडिसिन होते हैं या यह जो सॉल्यूशन होता है, इसे पुरुषों के साथ महिलाओं को भी इस्तेमाल करने की परमिशन है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह मेडिसिन दो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन होता है, मिनोक्सिडिल और फिनेस्टाइड। दो यह एक कंटेंट होते हैं जिनसे जिनके कॉम्बिनेशन से मेडिसिन बनी होती है। फिनोक्सिडिल तो महिलाओं के लिए रिकमेंडेड होता है, परंतु जो फिनेस्टाइड होता है वह महिलाओं के लिए इंडिकेटेड नहीं होता है। अतः महिलाओं के बाल झड़ने के इलाज के लिए केवल मिनोक्सिडिल 2% का इस्तेमाल करना चाहिए। यह मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है, दो मेडिसिन है और एक हानिकारक कंटेंट जो महिलाओं के लिए होता है वह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिनास्टाइड महिलाओं के केस में बहुत ही हानिकारक होता है। अब फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद क्या ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देना चाहिए कि मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके पश्चात तुरंत आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें। कम से कम 4 घंटे तक का प्रतीक्षा करें, क्योंकि अगर आप तुरंत हेयर ड्रायर या ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं तो दवा की प्रभावशीलता जो होती है वह कम हो जाती है। फ्रेंड्स, कभी कभी यह पूछा जाता है कि रिकमेंडेड डोज से अधिक मात्रा में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर कैसे होगा, इसका क्या इफेक्ट होता है? तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यह दवा शरीर के अति अवशोषण में परिमाण कर सकता है और अवांछित दुष्प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है। अतः फ्रेंड्स, कभी कभी पूछा जाता है कि मेडिसिन अगर ओवरडोज हो जाए या अधिक मात्रा में इसे लगा लिया जाए तो क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर यह गंभीर दुष्परिणाम पैदा कर सकता है और आप अपने लक्षणों की बढ़ती गंभीरता का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने पुनर्मूल्यांकन के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। फ्रेंड्स, कभी कभी यह पूछा जाता है फ्रेंड्स कि हम यह कैसे महसूस करेंगे कि हमारा यह जो सॉल्यूशन है या जो मेडिसिन वर्क कर रही है या नहीं वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको जो बालों का झड़ना है धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है, साथ ही आपके बालों के बाकी हिस्सों की तुलना में नए बालों का विकास तेज़ी से होता है, यह आप नोटिस कर पाएंगे, जो कि नरम और हल्के रंग के होते हैं। साथ ही समय के साथ साथ यह नए बाल आपके बाकी बालों के साथ मिश्रित हो जाते हैं और आपके शरीर में या आपके सिर में जहाँ पर भी आप इस मेडिसिन को अप्लाई या इस सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं वहाँ पर घने बाल हो जाते हैं। इसके अगर स्टोरेज की बात की जाए तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को या इस कंटेंट को जिस पैक में आया है उसी में आपको सुरक्षित रखना चाहिए, कसकर बंद करके रखना चाहिए। पैक पर या लेबल पर अगर किसी प्रकार के निर्देश हैं तो उसका पालन करना चाहिए, अनुपयुक्त दवा का निपटान करना चाहिए, मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि यह मेडिसिन पालतू जानवरों, बच्चों या अन्य लोगों के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और आपको इस मेडिसिन के रिगार्डिंग सावधानी रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ से रिलेटेड लगातार वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लगातार हेल्थ से जुड़ी समस्याओं की जानकारी मिलती रहेगी और आप उनका निदान अपने घर बैठे पा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का सुझाव या किसी भी प्रकार का कमेंट अगर है या कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करें, हम उनका जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे हेल्थ रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।